श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तु हर हर महादेव जय महालक्ष्मी 21 इक्कीस नवंबर दिन मंगलवार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जिसे हम आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको रोग मुक्ति का एक बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ जो कि हमने आंवला नवमी के दिन करना है जी हाँ पूरे वर्ष में केवल एक मौका मिलता है आंवला नवमी अक्षय नवमी के दिन अगर आप एक छोटी सी चीज इस पेड़ की जड़ में समर्पित कर देंगे तो यकीन मानिएगा आपके शरीर के अंदर चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी वो भी दूर होगी और इन फ्यूचर कभी भी आपके शरीर में कोई बड़ा रोग प्रवेश नहीं करेगा आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे तो वर्ष में केवल एक मौका मिलता है अक्षय नवमी के दिन इस उपाय को हमने करना है जो कि 21 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है उपाय कैसे करना है वीडियो पूरा जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इस उपाय का लाभ उठा पाए तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगी की आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का शेष विधान है आंवले के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है तो इस दिन अगर आप विधिवत रूप से आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं आंवले की पेड़ में आप जल समर्पित करते हैं आप कच्चा सूत लपेटते हैं आंवले के पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो दिल की जो भी कामना है वो शीघ्र पूरी होती है और इसके साथ ही इस दिन का विशेष महत्व ये है कि इस दिन अगर आप कोई भी दान करते हैं तो उसका आपको अक्षय फल प्राप्त होता है यानी कि आपको हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है तो रोग मुक्ति के लिए भी हमने इस दिन एक छोटा सा काम करना है सबसे पहले तो आंवला नवमी के दिन सुबह जब तो है। तो आपने स्नान करना है तो अपने स्नान करने वाले पानी के अंदर आप आपने एक छोटा सा, सा आंवला या फिर आपके पास हरा आंवला है ताजा आंवला आंवला है है तो तो वो डाल लीजिए सूखा वो डाल लीजिए नहीं तो आंवले का रस भी मार्केट से आपको मिल जाता है नहाने के पानी के अंदर आपने वो डाल देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पांच बार जाप करने के बाद उसके बाद आपने स्नान करना है ऐसा करने से शरीर के अंदर जो भी नेगेटिविटी दूर होगी आपके शरीर जो है है वो स्वस्थ रहेगा नहाने के बाद आपने क्या करना दोपहर बारह से पहले आपने क्या करना है गाय तो का थोड़ा सा, सा कच्चा दूध लेना दूद है उसे गर्म नहीं करना कच्चा दूध लीजिएगा केवल दूध लेना है एक पात्र के अंदर आप ले लीजिए थोड़ा सा ले लीजिए जितना आपके पास संभव हो पाए उतना आपने लेकर आंवले के पेड़ के पास जाना है और अपने रोग मुक्ति की कामना के साथ आपने आपने गाय के 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 इस कच्चे दूध को आंवले पेड़ की जड़ में आपने समर्पित करना है मात्र इतना सा उपाय अगर आप अक्षय नौमी, आंवला नौमी दिन कर देंगे तो यकीन मानिएगा शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहने लगेगा तो बहुत ही विशेष महत्व रखता है ये दिन तो पूरे वर्ष में एक मौका मिलता है अवश्य इस उपाय को करें और इसका लाभ हासिल करें आंवला नॉमी से, से जुड़े हुए उपाय मैंने ऑलरेडी पेज के ऊपर डाल रखे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखी वो देख सकते हैं और इसके रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर होती रहूंगी तो चैनल को जरूर फॉलो करिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महालक्ष्मी